राइट हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ किस तरह से हम नरेंद्र मोदी का फेस का आउटलाइन किस तरह से बना सकते हैं। अगर वो वीडियो नहीं देखा है मैं लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, वहां पे जाके आप देख सकते हैं। और उस वीडियो में मुझको बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स मिला और आप लोगों ने बोला कि आपको भी एक शेडिंग किस तरह से करते हैं एक ट्यूटोरियल वीडियो चाहिए। तो बस आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ हम रियलिस्टिक शेडिंग किस तरह से कर सकते हैं, वो भी सिर्फ ग्रेफाइट पेंसिल से। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं और एक छोटा सा रिक्वेस्ट कर दो भाई, जो मेरा चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा और जो ये वीडियो चल रहा है उसको आप स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इतना मेहनत करके भाई वीडियो बनाता हूँ सिर्फ आपके लिए बनाता हूँ और आप लोग स्किप करते हो, अच्छी बात नहीं है। तो चलिए आज वीडियो को शुरू करते हैं और आपको सिखाते हैं रियलिस्टिक शेडिंग किस तरह से कर सकते हैं, वो भी सिर्फ ग्रेफाइट पेंसिल से। मटेरियल की बात की जाए तो यहाँ पर मैं ग्रेफाइट पेंसिल आउटलाइन का इस्तेमाल करूंगा, ये काफी अच्छा खासा पेंसिल है। उसके बाद जो है एक नीडेड इरेजर और डिटेलिंग के लिए मैं एक पेंसिल इरेजर का भी इस्तेमाल करूंगा। उसके बाद आता है ब्लेंडिंग, ब्लेंडिंग के लिए मैं यहाँ पर एक ब्लेंडिंग स्टम्प का यूज करूंगा और ये मेकअप ब्रश मैं इस्तेमाल करूंगा और एक चारकोल जो कि मैं इसे बैकग्राउंड बनाऊंगा। बस इतना सही सामान हमको चाहिए। तो यहाँ पर मैं जो स्टार्ट करने जा रहा हूँ आई से, और जो मैं यहाँ पर पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ वो है एक 2B पेंसिल और मैं यहाँ पर लेयर मेथड का इस्तेमाल करूँगा। इसका मतलब ये है कि पहले हम एक लाइट लेयर हम पहले बनाएंगे, उसके बाद हम एक डार्क शेड का पेंसिल लेंगे जैसे कि 4B या फिर 6B, उसे हम डार्क शेड करेंगे। उसके बाद लास्ट में हम 10B से एकदम डार्क वैल्यू को हम आउट करेंगे। बस इतना सही फंडा है। वीडियो को मैं थोड़ा सा यहाँ पर फास्ट कर रहा हूँ क्योंकि इतना लंबा वीडियो तो कोई नहीं देखेगा और बस जो मेन है वही मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करूंगा। पहला जो है वो लेयर हमारा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद ये है एक ब्लेंडिंग स्टम्प, इसी से हम इसको ब्लेंड करेंगे। ब्लेंडिंग करने से क्या होता है कि जो हमारा एक रियलिस्टिक पोर्ट्रेट है उसको हम अच्छे से हम बना सकते हैं। यहाँ पर जो हमारा पहला लेयर है वो कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद मैं एक 4B पेंसिल से डार्क करके शेड करूंगा। एकदम से हम डार्क नहीं कर रहे क्योंकि अगर हम एकदम से 10B पेंसिल का इस्तेमाल करेंगे तो हमारा जो पेपर है वो डैमेज हो सकता है। अगर कुछ गलती भी हो जाता है तो हम उसको अच्छे से इरेज नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए पहले हम लाइट करके एक शेड करेंगे, उसके बाद हम डार्क पेंसिल उसका इस्तेमाल करेंगे 4B या फिर 6B। और जहाँ पर हमको हाईलाइट वगैरह बनाना है उसके लिए हम यहाँ पर एक नीडेड इरेजर का इस्तेमाल करेंगे। ये इरेजर काफ़ी अच्छा है, इससे हम कोई भी शेप में हम इसको बदल सकते हैं और जितना हो सके उतना लाइट करके भी हम इसको इरेज कर सकते हैं। अगर आपके पास इरेजर नहीं है तो आप नॉर्मल इरेजर से भी आप कर सकते हैं। और एक मेकअप ब्रश से मैं इसको स्मूथ ब्लेंड कर रहा हूँ। मेकअप ब्रश से काफ़ी अच्छे से हम स्मूथ कर सकते हैं। ये दूसरा लेयर भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद मैं यहाँ पर एक 8B पेंसिल से जो एकदम डार्क वैल्यू है उसको मैं शेड कर रहा हूँ। बस इसी तरह करना है, पहले हमको एकदम लाइट करके शेड करना है, उसके बाद एक 4B पेंसिल से शेड करना है, ब्लेंड करना है, उसके बाद आखिर में 8B या फिर 10B कोई भी डार्क पेंसिल से डार्क वैल्यू को हम शेड करना है। पहला आंख जैसे हम कंप्लीट किया उसी तरह हम दूसरा आंख के लिए भी करेंगे। वीडियो को मैं स्पीड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा है, 2 या 3 घंटे का वीडियो है, तो इतना तो हम नहीं बना सकते, वीडियो को ही नहीं देखेगा, तो इसलिए मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ और जितना इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि 8 या 10 मिनट के अंदर ही मैं आपको पूरा जो इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, काफ़ी चैलेंजिंग है इतना कम समय में आपको सिखाने के लिए। जो नेक्स्ट वीडियो होगा ये वीडियो होगा मतलब इसको मैं एक रियल टाइम में अपलोड करूँगा, 20 या 30 मिनट के अंदर इसको मैं कम्प्लीट करूँगा। तो खैर जैसे कि मैं अभी बोल रहा हूँ, जैसे हमने आई ड्रॉ किया था लाइट शेड करके, इसी तरह हम यहाँ पर नोज़ पर भी करेंगे। हम जो रेफरेंस फोटो है वहाँ पर हमको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, उसी के हिसाब से जो हमारा शेडिंग है हम कंप्लीट करेंगे। पहले हम लाइट करके शेड करेंगे, उसके बाद एक 4B पेंसिल से जहाँ पर डार्क शेड होगा उसको हम बनाएंगे। और अभी तक मेरे वीडियो अगर आप देख रहे हो तो प्लीज़ एक रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरा जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। स्किन के लिए भी मैं इसी तरह से करूँगा। एक लाइट पेंसिल से पहले हम लाइट करके शेड करेंगे, उसके बाद एक डार्क पेंसिल से जो डार्क वैल्यू है उसको हम आउट करेंगे।
कान के लिए भी सेम प्रोसेस सेम है। पहले लाइट करके हम शेड करेंगे, उसके बाद हम ब्लेंड करेंगे, उसके बाद डार्क शेड को हम बनाएंगे। सेम प्रोसेस है बट आपको ऑब्जर्व करना बहुत ही जरूरी है। अभी आता है दाढ़ी। दाढ़ी के लिए बहुत सा बिगनर जो आर्टिस्ट है वो काफ़ी मतलब टेंशन में आ जाते हैं दाढ़ी किस तरह से बनाते हैं। तो बहुत ही इजी है भाई। एक पेन लीजिए आप, कोई भी एक खाली पेन लीजिए, उसके बाद आप इसको जोर से आप प्रेस करके आपका जो दाढ़ी के डायरेक्शन पे आप दाढ़ी बनाइए। मोदी जी का जो दाढ़ी है वो बहुत ही छोटा छोटा दाढ़ी है, तो इसलिए मैं यहाँ पर एक छोटा छोटा दाढ़ी मैं यहाँ पर बना रहा हूँ। जिस डायरेक्शन पे आपको देखना पड़ेगा, जिस डायरेक्शन पे दाढ़ी है उसी डायरेक्शन पे आपको भी यहाँ पर बनाना पड़ेगा। ये देखने के लिए कुछ इस तरह से लगेगा। इससे क्या होगा, जो हमारा दाढ़ी है वो बहुत ही अच्छे से हम आसानी से हम बना सकते हैं। जो व्हाइट बियर्ड होता है इसी से हम बहुत ही अच्छे से बना सकते हैं। इसके अंदर पेंसिल का जो ग्रेड है वो अंदर नहीं जाता है और हमारा जो दाढ़ी है वो अपने आप बन जाता है। ये देखिए, इसके ऊपर मैं पेंसिल से शेड कर रहा हूँ, फिर भी जो हमारे व्हाइट व्हाइट दाढ़ी है वो ऑटोमेटिकली बाहर आ चुका है। ये काफ़ी एक मज़ेदार है। इसी तरह से हम पूरा दाढ़ी कंप्लीट करेंगे। हेयर के लिए भी हम सेम टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे जैसे हम दाढ़ी बनाए थे, सेम टेक्निक है। फेस जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद आता है क्लॉथ। हमारा जो मोदी साहब है यहाँ पर सिर्फ एक ब्लैक कोट पहन रहा है, तो इसलिए मैं यहाँ पर पूरा एक डार्क करके कोट बनाऊंगा। जो फेस है वो कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद मैं बैकग्राउंड करूंगा एक चारकोल से। अगर आपके पास चारकोल नहीं है तो आप ग्रेफाइट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास एक्रेलिक कलर है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फ्री है भाई, सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो। और जो ये ड्राइंग है आप भी एक बार ट्राई कीजिए और आप मुझको जो अपना ड्राइंग है इंस्टाग्राम पे शेयर कीजिए। मेरा इंस्टाग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, आप जाके मुझको आप फॉलो कर सकते हैं। जब पूरा कंप्लीट हो जाता है उसके बाद हम फिक्सेटिव का इस्तेमाल करेंगे। फिक्सेटिव जो हमारा ड्राइंग है उसको प्रोटेक्ट करता है। ये आप देख सकते हैं, ये जो चारकोल है ये देखिए पूरा काला काला होकर हमारे उंगली पर लग जाता है और जो हमारा ड्राइंग है वो डैमेज भी हो सकते हैं, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए फिक्सेटिव का हम इसके ऊपर इस्तेमाल करेंगे। और ये रहा हमारा फाइनल ड्राइंग। तो वीडियो कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना और सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू।